वायरल हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो कैसे बनाएं, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो काइन मास्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो चलो मैं इसी तरह से ओपन कर लेता हूँ, आप भी कुछ इस तरह से काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको 90:60 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टिकटॉक के लिए बहुत बेस्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको मीडिया का एक ऑप्शन होगा, तो आपको मीडिया में क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं मीडिया में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, तो चलो मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आपको किसी भी एक बैकग्राउंड ले लेना है, तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊंगा दोस्तों। कुछ इस तरह से एक बैकग्राउंड को ले लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। कहाँ गया रे मेरा वीडियो, तो ये रहा मेरा वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ से ले लिया, कुछ इस तरह से मैं ले लिया, फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ इस वीडियो को, जैसे कि आप देख सकते हो। फुल स्क्रीन में करने के बाद इस वीडियो को मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का वीडियो है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको बना करके दिखाऊंगा, कितना कमाल का वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो जहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको वीडियो को स्टॉप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको वीडियो स्टॉप कर देना है, और आपको लेयर का ऑप्शन में जाना है। तो चलो मैं लेयर में क्लिक कर लेता हूँ। लेयर में क्लिक करने के बाद आपको एक मीडिया का ऑप्शन शो होगा, तो आपको मीडिया में क्लिक कर लेना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आपको चाहे अपना फ़ोटो या अपना GIF का, आपका मर्जी भाई, आप किसी का भी फोटो लगा सकते हो। तो चलो मेरे पास तो कोई GIF का फोटो नहीं है, तो मैं अपना वही फ़ोटो लगा करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं एक अपना फ़ोटो को ले लेता हूँ दोस्तों, तो मैं इस फोटो को ले लिया हूँ दोस्तों। इस फोटो को लेने के बाद आप इस फोटो को आपको इसी तरह से जूम कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो को मैंने जूम कर लिया हूँ। जूम करने के बाद दोस्तों इस फोटो को यहाँ पर वीडियो का बराबर कर लेना है, मैंने वीडियो का बराबर रख लिया दोस्तों। और आपको क्या करना है, आपका अभी काम बाकी है, आपको जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो आप डाउनलोड कर रखे हो उस वीडियो को क्लिक कर लेना है। उस वीडियो में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोमा के का एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको क्रोमा के में क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से क्रोमा के को इनेबल कर देना है, डिसेबल रहेगा आपको इनेबल कर देना है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो एक कलर है ना, आपको कलर को आपको ग्रीन स्क्रीन का कलर रखना है, क्योंकि आपको ग्रीन स्क्रीन का ही रखना है दोस्तों। तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से अपना वीडियो हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो चलो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो आपको 35 रखना है और 65 रखना है, 35 और 65 रखना है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो। रखने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो में क्लिक कर लेना है, आप अपना जो फ़ोटो लगा रखा है उस फ़ोटो में क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं अपना फ़ोटो में क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको 3 डॉट लाइन में क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं 3 डॉट लाइन में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेंड टू बैक का एक ऑप्शन सो होगा, तो आपको सेंड टू बैक में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका फ़ोटो जो है बैक साइड में चला जाएगा। इस बार आपका वीडियो बन के ऑलरेडी तैयार हो गया है, इस बार मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। मैं देखूँ तेरी फोटो, तो वीडियो तो बन के तैयार हो गया दोस्तों। इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देना है, ये फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों, तो इसको कट कर देना है। तो चलो मैं इस फोटो को कट कर देता हूँ, तो एक्स्ट्रा फोटो को मैं कट कर देता हूँ। तो आपको फोटो में क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको कैंची वाले एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको कैंची में क्लिक करना है, और आपको ट्रिम टू राइट में क्लिक कर लेना है। ट्रिम टू राइट और प्ले हेड में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड लिया था उस बैकग्राउंड में भी सेम उसी तरह से आपको ट्रिम टू राइट में क्लिक कर लेना है, और आपका वीडियो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो ये वीडियो है, प्ले करके फिर से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का वीडियो बन के तैयार हो गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वीडियो तो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। इस वीडियो को सेव कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जो शेयर का ऑप्शन है ना, आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ से आपका बिटरेट को यहाँ पर फुल रखना है, आपको यहाँ से फुल बिटरेट रखना है, और आपको एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो चलो मैं एक्सपोर्ट में क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो गया है। तो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।